चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड ने कड़कड़डूमा कोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली के अलग अलग इलाके में बनाए जाने वाले 3 कोर्ट कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया। इस मौके पर उपराज्यपाल VK सक्सेना, मंत्री आतिशी मौजूद रहीं। मंत्री आतिशी ने बताया कि 3 कोर्ट कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया गया है। ये कोर्ट कॉम्प्लेक्स कड़कड़डूमा, रोहिणी सेक्टर 26 और शास्त्री पार्क में बनाया जाएगा। तीनों बिल्डिंग आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी, जिसमें जज, वकील और पब्लिक के लिए तमाम तरीके की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। आतिशी ने कहा कि दिल्ली के लोगों को न्याय मिले, इसके लिए अरविंद केजरीवाल सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। देखिए, आज बहुत खुशी का मौका है कि आज दिल्ली के 3 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, कड़कड़डूमा, शास्त्री पार्क और रोहिणी सेक्टर 26 कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड जी ने उसका देखिए, अगर हम कानून और अदालत के बारे में मान्यता देखें तो ऐसे माना जाता है कि तारीख पे तारीख लगती है, तारीख पे तारीख लगती है। इसलिए क्योंकि बहुत जगह जजेस की कमी है, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कोर्ट रूम्स की कमी है। दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार प्रतिबद्ध है कि दिल्ली के लोगों को न्याय मिलना चाहिए, समय से मिलना चाहिए। लगातार दिल्ली सरकार ने पिछले 10 साल में जुडिशरी का बजट बढ़ाया है। 760 करोड़ से लेके आज 3000 करोड़ रुपए प्रति साल के बजट पर हम आए हैं। और आज जिन 3 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है, उसमें दिल्ली सरकार ने 1100 करोड़ के बजट का कमिटमेंट किया है। और मुझे उम्मीद है कि इन शानदार कोर्ट रूम से दिल्ली के लोगों को जल्द न्याय मिलेगा, समय से न्याय। मैडम,